आज हम आपको सिखाएंगे सूट की कटिंग कैसे होती है। तो देखिए, सबसे पहले सूट की कटिंग करने के लिए सूट के कपड़े को चार चार भाग में बिछाया है हमने, ठीक है। अब हम इस पे लगाएंगे निशान। सबसे पहले हम लगाएंगे तीरे का निशान। जैसे अगर हमारा तीरा 15 है तो 15 का आधा करके लगाएंगे हम 7.5 पे। इसके बाद लगाएंगे हम मुड्ढे पे निशान। मुड्ढे पे निशान लगाने से पहले जितना हमने तीरे पे लगाया उतना और उसमें आधा इंच बढ़ा करके, तीरे पे हमने 7.5 लगाया था तो मुड्ढे पे आधा इंच बढ़ा करके 8 पे लगाएंगे हम, क्योंकि वो सिलाई आधा इंच कटिंग हो जाती है ऊपर से। अब हम यहां से लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट जितनी आपकी चेस्ट है, मतलब आप अपनी चेस्ट का नाप लेके फिर उसका चार भाग में करना है। चार भाग में करके जितना आएगा उसमें 2 इंच बढ़ा करके आपको लेनी है। जैसे हमारा 38 है तो 38 का हमने चार भाग किया है, उसमें 2 इंच बढ़ा करके 11.5 अब लगाएंगे हम यहां से गले का निशान। जितना बड़ा आपको गला बनाना है उतना बड़ा निशान आप लगा सकते हो। ये गले की लंबाई पे हम निशान लगा रहे हैं, जैसे हमने 6.5 पे लगाया है। आप 7-8 जितना आपको बनाना है उतना कर सकते हो। ये गले की चौड़ाई है। यहां से आप जो डिजाइन आपको अच्छा लगे वो डिजाइन आप इसमें दे सकते हो। हम गोल डिजाइन बना रहे हैं। अब ऊपर पे से आधा इंच पे निशान लगाना, फिर वहां से तेरे पे से लेकर के थोड़ा नीचे पे, जैसे हम निशान लगा रहे हैं ऐसे निशान लगाना है आपको। देखिए फिर दोस्तों, जैसे हम निशान लगा रहे हैं आप एज इट इज ऐसे ही निशान लगाइए। अब यहां से हम कमर का निशान लगाएंगे। जितने जैसे हमारा तीरा था 15 तो 15 की लंबाई लेकर के नीचे निशान लगा देंगे। फिर यहां से अपने कमर का निशान लेंगे, जितना आपका नाप है उतना उसका चार भाग में करेंगे आप। चार भाग में करने के बाद उसमें 2 इंच बढ़ा करके तब निशान लगाएं। ये हमारे सूट के पल्ले हैं। जितने बड़े या छोटे आपको पल्ले बनाने हैं उतने आप निशान लगा सकते हो। ये चाक का निशान है। चाक का निशान लगाने के बाद जो कमर का निशान हमने लगाया था उस पे से चाक के निशान पे जॉइंट कर देंगे, जैसे हमने किया है। ये हमारा निशान लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
दोस्तों देखिए अपनी चेष्टा का निशान, हमने चेष्टा का निशान काट दिया है। सबसे पहले पीछे वाला निशान काटेंगे क्योंकि हमें एक साथ दोनों पले निकालने हैं, आगे का भी और पीछे का भी। गला हम काटेंगे बाद में। फिर जब ये निशान पूरा कट जाएगा तो इसके अंदर की साइड से दो कपड़े बाहर कर देंगे, फिर आगे का गुड्डे का निशान काटेंगे। देखिए दोस्तों हमने आगे का गले का निशान काट लिया है, अब हम पीछे के गले का निशान लगाएंगे, उसके बाद हम उसको काटेंगे। आप निशान को ऐसे भी लगा सकते हैं, पहले उसको एक पेपर पे कट कर लीजिए, उसके बाद उसको रख करके कपड़े पे रख करके फिर निशान लगा के एज इट इज उसको काट सकते हैं। देखिए हमारा निशान लग गया है, देखिए दोस्तों अब हम काटेंगे बाजू का निशान, बाजू काटेंगे अब हम। अब बाजू का निशान कैसा लगता है ये हम आपको दिखाते हैं। बाजू को काटने के लिए, आस्तीन को काटने के लिए कपड़े को चार भाग में रखेंगे, कटे हुए हिस्से को नीचे और जुड़े हुए हिस्से को अपने सामने रखेंगे। देखिए दोस्तों आस्तीन का निशान कैसे लगते हैं,
सबसे पहले हम मुद्दे पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे मुद्दे के लिए, फिर आप देखते रहिए हम कैसे निशान लगा रहे हैं। यहाँ से हम मोदी का निशान लगाए, ये 6 पे हमने जो निशान लगाया है ये हमारी रेडी मोरी है, मतलब हमको तैयार इतना रखना है। और उसके आगे हम कपड़ा छोड़ करके 2 इंच बढ़ा करके 8 पे निशान लगा रहे हैं। फिर जो हमने 8 पे निशान लगाया था उस निशान से ऊपर मुड्ढे वाले निशान पे मिला देंगे, तो ये हमारी आसन का निशान लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। हमने आपको सूट की कटिंग भी बता दी है, आस्तीन की कटिंग भी बता दी है। देखिए दोस्तों, हमने आपको पूरे सूट की कटिंग बता दी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।